खबर उन्नाव से है, जहां पर हसनगंज थाना क्षेत्र के दाऊदपुर गांव में मानसिक रूप से विक्षिप्त 28 वर्षीय युवक संगीत ने देर रात सो रहे 45 वर्षीय व्यक्ति प्रकाश पर लाठी से हमला बोल दिया, जिससे उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस द्वारा आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक उन्नाव दिनेश त्रिपाठी ने बताया है कि हसनगंज कोतवाली के दाऊदपुर गांव में एक मानसिक रूप से बीमार युवक को उसकी मां द्वारा ननिहाल में इलाज के लिए लाया गया था। देर रात लगभग 1 बजे उसने सो रहे एक व्यक्ति पर लाठी से वार कर दिया, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची हसनगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी युवक संगीत को हिरासत में लिया गया है। इस घटना में पुरानी कोई रंजिश नहीं थी, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन मृतक के परिजन अपने पड़ोसी पर साजिशन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। बुरी घटना हुई, इनके ननक्के के घर रिश्तेदार हैं, ठीक है। इनने आप खिलाया पिलाया दोनों भाई ने, ननक्के और इनका क्या नाम है, रामपाल और ननक्के, ठीक है। ये हमारे पिता चाचा हैं, किशनपाल और ननक्के, ठीक है। किशनपाल रामपाल, ठीक है। इनने खिलाया पिलाया अपने रिश्तेदार को और हमारे चाचा को मरवा दिया, ठीक है। और इनने खेती बहते थे बटाई हमारी, हमारे चाचा की, और खेती का सारा अनाज भी रखा है इस साल। थाना हसनगंज के ग्राम दाऊदपुर में एक नवयुवक जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, अपने इलाज के लिए अपने मौसा के यहाँ आया था। रात्रि में लगभग 1 बजे अपने लाठी से अपने पड़ोस में रहने वाले प्रकाश को मार दिया, जिससे प्रकाश के सर पे चोट लग गई और उनकी डेथ हो गई। इस संबंध में थाना हसनगंज में अभियुक्त पंजीकृत कराया गया है और अभियुक्त संगीत को गिरफ्तार कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है।